हमने प्रॉमिस किया था तुमसे कि हम तुम्हारा जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब वो हमें मुमकिन नहीं लगता है। तो सम्मान तुम्हारे पास है और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चला गया। और अब तो काकुल और सम्मान के परिवार भी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, बिल्कुल काकुल और सम्मान की ही तरह। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हो सकता है कि वो आपसे मिलने आई हो और आपने उन्हें ना पहचाना हो। ये हो सकता है। हमें ये बताइए कि वो काकुल काहे मिलने गई थी वंशिका से। पता लगाता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है वंशिका। You understand that? हाँ, अगर इसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात पर तो बेहतर होगा कि मैं तुम्हें तकलीफ देने की बजाय तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊँ। Just forget it। तुम्हारी जिंदगी में सम्मान नाम का कोई इंसान था। सम्मान, I love you, सम्मान। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो तुम। क्यों शक करती हूँ मुझ पर? जितना प्यार करती हूँ ना तुमसे, उतना प्यार करके देखो तुम मुझसे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्यों करती हूँ तुम पर इतना शक। मैं पागल हो जाती हूँ जब रात को अकेले कमरे में ये सोचती हूँ कि तुम उसके साथ पता नहीं। नहीं, पता नहीं मतलब? मैं थोड़ी सी पागल हूँ। थोड़ी सी नहीं, बहुत पागल। सम्मान, अगर ऐसा नहीं है तो आई नो ऐसा नहीं है, मगर फिर उस काकुल ने झूठ क्यों कहा? तो हाँ, और क्या कहती वो? हाँ, यही कि शादी को इतना वक्त हो जाने के बाद भी उसका पति उससे कोई रिश्ता नहीं रखे हुए। अपने आप को काकुल की जगह रखकर सोचो, क्या तुम किसी अनजान से ये शेयर कर पाती कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है? I think you're right. I'm sorry. हेलो दीदिया, हमने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। बाबूजी से मिले हम। वो किसी जरूरी काम से यहाँ मुंबई आए थे, वक्त निकालकर हमसे भी मिलने आए थे वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना दीदिया? ठीक, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता था। उनका यहाँ इतना आदर और सत्कार हुआ कि आप पूछिए मत। पता है दीदिया, शुरू में तो हम बहुत डर गए थे कि न जाने सब कैसे बर्ताव करेंगे उनके साथ, लेकिन सब बहुत प्यार और सम्मान से मिले उनसे। अच्छा, और हमें तो यहाँ तक सुनने को मिला कि बाबूजी की पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है। दीदिया, बाबूजी ने तो सब पे जादू कर दिया है, लेकिन हमें आपसे शिकायत है। आप क्यों नहीं आए बाबूजी के साथ? वैसे देखा जाए तो हमारी शिकायत बिल्कुल गलत है। आप कैसे आ सकती थी? बाबूजी तो एक ऑफिशियल ट्रिप पे आए थे। काकुल, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती थी। वो ये बात है कि किसका फोन है? काकुल का। एक मिनट, अपने जीजू से बात कर। हाँ काकुल। प्रणाम जीजू। हाँ, खुश रहो। देखो काकुल, हमने प्रॉमिस किया था तुमसे कि हम तुम्हारा जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब वो हमें मुमकिन नहीं लगता है। क्या चल रहा है तुम्हारे घर में ये सब कुछ? क्या हो रहा है जीजू? इस गलतफहमी में रहने का जरूरत नहीं है कि अगर हम वहां नहीं है तो हमें कुछ पता नहीं है।
क्या हम तक तो कोई खबर नहीं पहुंचता है? तुम्हारे व्रत करने पे ऑब्जेक्शन नहीं है हमें, लेकिन अगर उस व्रत के चक्कर में तुम्हारा कोई नुकसान होता है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। जीजू, व्रत से भला किसी का नुकसान हो सकता है क्या? ईश्वर खुद ध्यान रखते हैं उनका। हाँ, वो तो देख रहे हैं कि कितना ध्यान रखे हैं। तभी जिनका दुहाई दे रही हो ना, उन्हीं के मंदिर में चक्कर खा के गिर पड़ी थी तुम। तम मूर्ति में बैठे बैठे क्या कर रहे थे वो? आगे संभाला काहे नहीं तुम्हें? काकुल, देखो इंसान को खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है। काहे चुप हो गए आप जीजू? डांटिए और डांटिए, आपकी डांट बहुत मीठी लगती है हमें। अरे ये भी तुम्हारे जैसी है क्या? कोई बात सीरियसली काहे नहीं लेती हमारी? कोई बात सीरियसली काहे नहीं लेती हो तुम हमारी? जीजू, किसने कहा आपसे कि हम आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं? हम जानते हैं जीजू, आपको हमारी बहुत चिंता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अब तो और कुछ ही दिनों की बात है, घर के हालात तेजी से ठीक हो रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारा व्रत सारी मुसीबतों का समाधान लाएगा। अच्छा जीजू, अब हम रखते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। और सुनो काकुल, अपना ध्यान रखना भाई, बहुत फिक्र होता है तुम्हारा। अकेले अकेले परेशान होने का जरूरत नहीं है, कोई भी बात हो तो हमें फोन कर देना, मुंबई दूर नहीं है, ठीक है? जी। अब क्या हुआ? अब उसने कह तो दिया कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। उसने कह दिया और तुमने मान लिया? ऐसे कुछ भी नहीं सुलझेगा रहते सा, हमें मुंबई जाना पड़ेगा। तुम सामान बांधो। ऐसे कैसे जा सकते बिना पिताजी को बताए? वो नाराज हो जाएंगे। तो क्या क्या करें क्या हम? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे? एक तो बाबू साहब की आज्ञा और काकुल के प्यार की चक्की में फिस गए हम। त्रिशा हमारी बहन के जैसी है, वहां वो तकलीफ में है और हम यहाँ खड़े खड़े डायलॉग बोलते रहते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। देखिए, माना कि काकुल के ससुराल में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एक रात में तो सब ठीक होने वाला नहीं है। कुछ समय तो चाहिए ना, और काकुल अकेले कहाँ है? सम्मान भी तो है वहाँ। वाह वाह, किस महापुरुष का नाम लिया है आपने भी। उस पर विश्वास किया जा सकता है जो अपनी बीवी को? बीवी को क्या? आप कुछ कह रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बोलिए। अब वो कहें जो छुपा रहे हैं? छुपाने से कुछ छुपता है क्या त्रिशा? और ना ही बदलता है। सम्मान, तुम्हारे घर से फोन है। एक मिनट, मैं लेता हूं। हेलो। हेलो अंकल, मैं देविका बोल रही हूँ, वंशिका से बात कर सकती हूँ? देविका बोलो। देविका हाय, नाराज हो? ओके, रॉन्ग क्वेश्चन, पर मैं क्या करती यार? सुबह सुबह काकुल के पापा जो आ गए थे अपने कमांडोस की पूरी फौज लेकर, अब उनके सामने तो बात नहीं कर सकती थी ना, सो मैंने कह दिया रॉन्ग नंबर। हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारे घर पर आए थे। तुम्हें किसने बताया? सम्मान ने बताया। सम्मान ने? यहीं पर है वो। ओह, तो सम्मान तुम्हारे पास है और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चला गया। चल, I'll talk to you later now. Bye. मेरी और भूख तो तुम। ऐसा नहीं होगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे कैसे? आप तो खाना नहीं। प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज इसके आगे कुछ मत कहना। प्रेम
काकुल, मैं उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होता है। मैं मिलन के रिश्ते की बात कर रही हूँ। ये जो बड़ी बड़ी बातें तुम मुझसे कर रही हो, अगर किसी दिन वंशिका तुम्हारे सामने आ जाए तो उससे कर पाओगी? हेलो अंकल, मैं देविका बोल रही हूँ, वंशिका से बात कर सकती हूँ? तो सम्मान तुम्हारे पास है। और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कहाँ चला गया। क्या बात है बेटा, इस तरह अचानक आ गए? यूं ही। अच्छा, कुछ परेशान है दीदी? बुआ, हमें आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सच में परेशान हैं। काकुल, हमने सोचा आपसे मिलेंगे तो जी हल्का हो जाएगा। अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए, अपना समझ कर आई हो, तो बताओ क्या परेशानी है? बुआ, वो हमने देविका दीदी को वंशिका से बात करते हुए सुना है। एक बात बताइए दीदी, क्या आपने पैरेलल लाइन से सुना था कि देविका दी वंशिका से बात कर रही हैं? नहीं सुना होगा, बिकॉज आई नो यू आर नॉट दैट टाइप्स। हाँ, हमने तो नहीं सुना है। तो ये जरूरी नहीं कि देविका दी ने वाकई वंशिका से बात की हो, और अगर की भी हो सकता है कि सम्मान भैया वहां हो ही ना। देविका दी ने आपको सताने के लिए, तंग करने के लिए ये सब कहा हो। लेकिन देविका दीदी ऐसा क्यों करेंगी? वेल, सेडिस्टिक प्लेजर दीदी, यू नो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिनको दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता है। हाँ बेटा, ये तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे। लेकिन इतनी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? वेल, उसका रीजन ये है कि आप दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं। अब हमें शांति मिली। चलो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व। सो मदर डियर, दैट मींस आई एम अ गुड लॉयर। चलिए निकालिए मेरी फीस। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब कुछ, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट अबाउट यू। ये भी कोई आंसर है? इतना अनरोमांटिक सा, मुझे लगा तुम डिटेल में कुछ कहोगे। सम्मान, क्या हुआ, इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों बिहेव कर रहे हो? नहीं, कुछ खास नहीं। वो आज सुबह ऋषभ भैया और पापा मेरे साथ बैंक जाना चाहते थे और मैं यहाँ आ गया। पापा बहुत नाराज हुए होंगे मुझसे। तुम्हारे पापा अब हमारे रिश्ते से खुश नहीं होंगे। आई मीन आई नो मेरे पापा ने जो भी तुम लोगों के साथ किया बहुत गलत किया। उसके बाद अंकल हमें कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, मगर फिर भी मुझे इस बात की तो खुशी है कि तुम्हारे पापा ना सही, मेरे पापा तो हमारे साथ हैं, है ना? हाँ, एटलीस्ट एक फ्रंट पर तो शांति है, वरना आज सुबह तक तो हालात ही दूसरे थे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते, मजबूर हो गए थे, इसीलिए मजबूरी में आकर उन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने की परमिशन दे दी। पापा, हेलो। हाँ सम्मान, बेटा हमने जो अपना नया ऑफिस देखा है ना,
ऋषभ और मैं वहीं पर हैं। बहुत बढ़िया जगह है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्दी से आ जाओ, देख लो, डिसाइड कर लो। अगर पसंद आ जाता है तुम्हें भी तो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते। जी पापा, आप मुझे एड्रेस SMS कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं अभी करता हूँ। जी, रखता हूँ। सामान बेटा, सुबह तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सका, एक्चुअली जल्दी में थे, यहाँ पहुँचना था इसलिए। नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हैं आप, इनफैक्ट गलती तो मेरी ही थी, मैं टाइम पर तैयार नहीं हो पाया। आप जल्दी से एड्रेस SMS कर दीजिए, मैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ओके, हाँ इमीडिएटली कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? अपने पास बुलाया उन्होंने मुझे। नाराज है? उन्हें लगा मैं नाराज था, वो मुझे बैंक लेकर नहीं गए थे ना, इसीलिए। वंशिका, मुझे जाना होगा, पापा ने बुलाया है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। फिर कब मिलेंगे? जैसे मौका मिलेगा। पक्का? अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें? हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। अरे जाओ पानी ला। अरे अंदर काहे भेज रहे हैं भाई, रहने दीजिए। अरे इसको भी तो उतावली मची होगी समाचार जानने की, बैठिए। हाँ, तो काकुल अपने घर में बिल्कुल ठीक है, उसको कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, थोड़ा कमजोर जरूर लगी, लेकिन खुश है अपने घर में। सुन लिया आपने, खामखा परेशान हो रहे थे, काकुल की चिंता में 4 किलो वजन घटा लिया है। तो अच्छी बात है ना। बेटा है हमारे, जमाद नहीं, और आजकल कौन फिक्र करता है इस जमाने में है? तो सुजीत बाबू, काकुल का इतना चिंता व्यर्थ है, बाकी सब तो ठीक है, सब भला चंगा है, लेकिन वो उसकी सास और वो बड़की ननद, क्या नाम है उसका, देविका, हाँ वो दोनों का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान बाबू, छोटे दामाद जी, वो अपने काकुल को बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और साफ साफ बोले कि जब पति साथ है तो फिकर का है का? फिकर इसी बात का तो है बाबू साहब, पति ही तो साथ नहीं है उसके। कहाँ है वो महारानी? बाहर गई होगी, बैठी होगी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर और आंसू बहा रही होगी। अरे वो क्यों आंसू बहाएगी, आंसू बहाने का जिम्मा तो हमारा है। आज तो वो ही बहा रही होगी, ऐसी करारी चोट दी है ना मैंने उसे। अच्छा, कैसी चोट? मैं वंशिका से फोन पे बात कर रही थी तो आ गई है मैडम घूमते घूमते, उसको सुनाने के लिए मैंने फोन पर जोर से कहा कि सम्मान वंशिका के घर पर है। तो नेहा की बात सही थी, जानबूझकर हमें सताने के लिए हमारे साथ ऐसा किया गया था। मान गए बेटा, कम नहीं है तो। बेटी किसकी हूँ? अब तो मुझे वाकई लगता है कि वो किसी मंदिर की सीढ़ियों में बैठकर रो रही होगी, और जब तक उसके आंसुओं का स्टॉक खत्म नहीं होता ना, घर आने वाली नहीं है वो। माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि वो घर लौटेगी? हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर हमेशा के लिए एग्जिट। गलत, हम अपने घर में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? बैठो वंशिका। पापा, आपने जो सम्मान के परिवार के साथ किया है ना, उसके बाद वो लोग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ना सही, मगर बेटे डू यू रियली नीड इट? बेटा वैसे भी ये घर ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं जानती हूँ पापा, ये सब कुछ मेरा ही है, मगर मैं हार नहीं मानना चाहती हूँ पापा। मैं चाहती हूँ कि सम्मान के घर वाले मुझे एक्सेप्ट करें, और फिर सम्मान मेरे साथ है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। प्रॉब्लम तो बस उस काकुल की है। I just hate her. शायद तुम दोनों को मेरी बात सुनने में बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन इस घर की मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ। सम्मान शायद हम सबको बेवकूफ बना रहा है। काकुल और सम्मान के बीच बहुत प्यार है, और अब तो काकुल और सम्मान के परिवार भी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, बिल्कुल काकुल और सम्मान की ही तरह। जिंदगी की शुरुआत सम्मान से भले हुई हो, मगर सम्मान पर ही उसे खत्म करने का कोई मतलब नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम सम्मान को भूल जाओ। मैं सम्मान को नहीं भूल सकती। चावला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है वो इंसान जो अमरनाथ की मदद कर रहा है। इस मुस्कान का सच्चाई पर तो हमें भरोसा ही नहीं रह गया है। उसके लिए चिंता मिट कैसे सकता है, अब तो और बढ़ गया है। मंचिका, हम काकुल बोल रहे हैं।